शिवनी मालवा के रविवार शाम उपनगरीय क्षेत्र के बानमपुर में जागरूक युवाओं के द्वारा कटवा, उन्नाव और झारखंड में बच्चियों के साथ बलात्कार एवं कटवा में मासूम बच्ची की हत्या के विरोध में सैकड़ों की संख्या में बानापुर के युवकों के द्वारा एक कैंडल मार्च निकाला गया, जो कि बस स्टैंड पर जाकर समाप्त हुआ। युवाओं में उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से मांग की है कि आरोपियों के ऊपर जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें तत्काल फांसी दी जाए। आपको बताते चलें कि जम्मू के कठुआ में जिले में 8 साल की आसिफा को 10 जनवरी को अगवा कर लिया गया था और उसको अगले 7 दिनों बाद उसके 7 दिनों तक उसे नशीली दवाएं दी गई और भूखा रखा गया और उसके साथ पुलिस वालों समेत कई लोगों ने बलात्कार किया था। इसके बाद उस बच्ची की हत्या कर दी गई और बच्ची को मरना सुनिश्चित करने के लिए उसके सिर को पत्थर से कुचल दिया गया था। साथ ही उन्नाव, झारखंड, सूरत में बच्चियों से हुए बलात्कार के विरोध में भी इन युवाओं के द्वारा उपनगरीय क्षेत्र बनुपुरा बस स्टैंड में कैंडल मार्च जलाकर उन बच्चियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनकी सजा दिए जाने की सिवनी मालवा से मांग की गई है। इसको लेकर आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सिवनी मालवा बनापुरा के समस्त युवाओं के द्वारा कठुआ उन्नाव झारखंड और सूरत में बच्चों के साथ बलात्कार हुआ है। कठुआ में बच्ची की हत्या कर दी गई है, उसके विरोध में आज शोक प्रदर्शन करा गया है युवाओं के द्वारा। और हम सरकार से, यूपी सरकार से, केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि इन गुनहगारों के ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। मालवा से शशिकांत शर्मा की रिपोर्ट।